उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने बुधवार को कर दिया है। यूपी की स्वार और छानबी विधानसभा पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया है। इन दोनों ही सीटों पर 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इस संबंध में बुधवार को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। उत्तर प्रदेश में स्वार और छानबी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि इन दोनों सीटों का नतीजा 13 मई को आएगा। वहीं 13 अप्रैल से इन दोनों सीटों पर नामांकन शुरू होगा और 20 अप्रैल तक इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 24 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि राज्य में उपचुनाव के आसपास ही स्थानीय निकाय चुनाव भी हो सकते हैं। बता दें कि स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई थी। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हेट स्पीच में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और सपा विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई और अब उस सीट पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इस सीट पर अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से चुनाव हो रहा है। राहुल कोल बीते लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिसके बाद उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा। इसी दौरान उनका निधन हो गया। अब इस सीट पर भी चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है।